हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाउ टू क्लोज इन एक्टिव व्यूज और विंडो इन रेविट आर्किटेक्चर। क्या होता है वो बताता हूँ। सबसे पहले मान लो आपके पास ये व्यू है, आपने ये 3D व्यू ओपन किया हुआ है। अब लेवल वन ओपन करते हो तो यहाँ पे लेवल वन आ जाएगा, लेवल टू करोगे लेवल टू आ जाएगा, लेवल थ्री करोगे लेवल थ्री आ जाएगा। सीलिंग प्लान ओपन करोगे, कोई भी एलिवेशन ओपन करोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जितने भी व्यूज आप ओपन करते हुए जा रहे हो यहाँ पे आपको कंप्लीट व्यूज नजर आते जाएंगे। ये है 2021 वर्जन। लोअर वर्जन में भी हो सकता है कि वो ऐसे टैब्स में आपको यहाँ पे ना दिखाएं, तो वो हिडन दिखाएगा आपको। क्लियर है? अब क्या है कि जिस भी व्यू पे मैं क्लिक करूंगा वही विंडो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, इस पे क्लिक करूंगा वही व्यू आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब मान लो मेरे को ये सारे व्यूज को क्लोज करना है तो मैं क्या करूंगा, साउथ व्यू पे क्लोज करूंगा। जैसे ही क्लोज करता हूँ दूसरे व्यू पे आ जाता है, इसको क्लोज करूंगा ये वाला व्यू आ जाएगा, इसको क्लोज करूंगा। तो मेरे को बेसिकली क्या है कि एक एक विंडो को मुझे क्लोज करना पड़ेगा। जो जो विंडो एक्टिव है उसे क्लोज करूंगा तो आपका दूसरी विंडो पे भी स्विच हो जाएगा और दोबारा से आप यहाँ पे कोई भी विंडो ओपन करोगे वो दोबारा से सारी टैब्स ऐसे ही बन जाएंगी यहाँ पे ऊपर की तरफ। क्लियर है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब 3D पे गए, 3D की एक टैब बन गई। अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो एक्टिव टैब है सिर्फ वही रहे, बाकी जितनी भी इनएक्टिव टैब है उनको मैं वन टाइम में क्लोज कर दूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको व्यू टैब पे जाना है और विंडोज में आपको यहां पे मिलेगा क्लोज इन एक्टिव व्यूज। उससे पहले आपको मिलता है स्विच विंडो। स्विच विंडो होता है कि अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो जितने भी व्यूज आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं हो सकता है कि आपको यहाँ पे नजर ना आए, तो स्विच विंडो पे क्लिक करोगे तो ये सारे के सारे व्यूज यहाँ पे नजर आएंगे। 3D व्यू, एलिवेशन, एलिवेशन इज रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टेड सीलिंग, फ्लोर प्लान, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, ये सब चीजें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। यहाँ पे भी क्लिक करके आप अपनी व्यूज को स्विच कर सकते हो। क्लियर है? अब मान लो मेरे को सिर्फ यही विंडो आपकी जो यही व्यू है ये ओपन रखना है, बाकी सारे व्यू इनएक्टिव व्यू को क्लोज करना है। तो हम एक होता है ना कि हम क्लोज करते हैं, एक एक करके क्लोज करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक्टिव व्यू ही मेरे एक्टिव रहे, बाकी सारे क्लोज हो जाए। तो आप जो एक्टिव रखना है उसको सिलेक्ट करें और जो क्लोज करना है उनको डिसलेक्ट करके आप क्लोज इन एक्टिव व्यू पे क्लिक करें तो वन टाइम में आप देखेंगे जितने भी आपके व्यूज थे वो सब हट गए, सिर्फ एक ही व्यू यहाँ पे बचा है। दोबारा अगर मैं दिखाऊं, मान लो मैं इतने व्यूज ओपन करता हूँ तो दोबारा से यहाँ पे वो लिस्ट आ जाएगी कंप्लीट व्यूज की। अब आपको एक व्यू पे क्लिक करना है और क्लोज इनएक्टिव, यही आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार में क्लोज इनएक्टिव व्यूज का। इस पे क्लिक करें तो जितने भी इनएक्टिव व्यूज थे सारे के सारे आपके क्लोज हो जाएंगे। तो ये था हाउ टू क्लोज इनएक्टिव व्यूज इन रेविट आर्किटेक्चर। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।